कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की सेंट्रल कमेटी की एक मीटिंग हुई जो 3 दिन तक जारी रही। उसमें कई इश्यूज जेर बहस आए, उसमें ख़ासतौर से गवर्नर का जो जिस तरह से काम कर रहे वो मसला भी जेर बहस आया, और मुल्क में जो फिरकावराना सफबंदी की जा रही है ख़ासतौर से हुकूमती सतह पे, वो भी मसला जेर बहस आया। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीताराम येचुरी, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस हवाले से बात की। सीताराम जी, जो आपकी सेंट्रल कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें ख़ासतौर से गवर्नर का मसला जेर बहस आया, गवर्नर जिस तरह से काम कर रहे हैं एक मसला बन गया है, जब से जो है ये हुकूमत आई है गवर्नर जिस तरह से काम कर रहे हैं एक मसला बन गया, उसके बारे में क्या कहें भाई? हम समझे कि ये बहुत गलत हो रहा है। हमारे संवैधानिक व्यवस्था से गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, और गवर्नर किस तरीके से काम करना है, उनको क्या है उनके अधिकार, ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड करता है। उससे उसका वायलेट करते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती। आज जो गवर्नर कर रहे हैं वो उसका उल्लंघन है, तो हम समझते हैं कि यह संविधान के खिलाफ जाने वाली बात है, तो इसलिए हम बड़ी सीरियसली सवाल को उठाएंगे, और सभी जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनकी सरकारें हैं उन सबको हमला मन करेंगे उसके विरोध। अच्छा सर, ये जो है कम्युनल जो पोलराइजेशन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब वो रिलीजियस मीटिंग में जो है तो जा रहे हैं, अपना शो कर रहे हैं, जो आपने जो कहा कि भाई कि हिंदुत्व राष्ट्र बना दिया गया है वर्चुअली वो उनकी पूरी की पूरी कोशिश है यही दिखाए देश के लोगों को, दुनिया को, कि अब हम हिंदुत्व राष्ट्र बनने जा रहे हैं। वरना ये बहुत गलत हो रहा है कि प्रधानमंत्री को और सरकार को किसी रिलीजन के साथ जुड़ना जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अनुमति देती है। आप आस्था और धर्म और रिलीजन अपने स्तर पर, हर इंसान का अधिकार है कि वो किस आस्था में बिलीव करे, किस रिलीजन में बिलीव करे, किस भगवान में बिलीव करे, और उसकी संरक्षण करेगी कानून उस अधिकार का। लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है मेरा भगवान आपके भगवान से बेहतर है। अब ये कहना जो है ये हम समझते हैं कि ये अब मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है। अच्छा सर, जब भी इलेक्शन आता है तो एंटी मुस्लिम प्लैंक को जो है तो रिवाइव कर दिया जाता है। अब गुजरात जो गवर्नमेंट ने कहा कि देखो कॉन्स्टिट्यूटेड ए पैनल टू यूनिफॉर्म यूसीसी, अब ये हर बीजेपी स्टेट में हो रहा है, ये उनके लिए एक कम्युनल पोलराइजेशन के लिए एक हथियार है, और वो कर रहे हैं। जबकि पूरे देश के स्तर पर लॉ कमीशन भी इसके बारे में ये की थी, मतलब था कि फीजिबल नहीं, और बाद में कहा कि फीजिबल नहीं है, नामुनासिब दोनों का। तो अब उसके बावजूद इस तरीके से कहना है ये सिर्फ प्रचार के माध्यम के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए, ताकि लोगों को लामबंद करें और ये ध्रुवीकरण के चलते। आखिरी सवाल मेरा ये है कि हिंदी को जो इम्पोज करने की जो है माजी के जो वायलेंटाइजेशन हुए हैं उससे ना सबक लेते हुए दोबारा ये कोशिश की जा रही है और हिंदी के हक में जिस तरह की बातें की जा रही है, ये पहले भी नहीं हुई सफल, अभी भी नहीं हुई, लेकिन इसका कड़ी विरोध हम कर रहे हैं। हम पहले ही प्रकट कर दिया था ये हमारे केंद्रीय कमेटी बैठक से पहले ही, कि जो 22 जो लैंग्वेजेस जो लिस्टेड है आपके 8वीं शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब के सब बराबर अधिकार हैं, और उन सबको बराबर तरीके से बढ़ावा देने की जरूरत है। आखिरी बात ये याद आ गई मुझे कि ये जो आप कह रहे हैं कि हम जो ऑफिशियल पार्टीज हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, उनको जो है एक जगह लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि कोई भी सेकुलर पार्टी जो है कोई चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं है, ये सबसे बड़ा देखिए एक जगह पर वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ रही, ना हमारी कोशिश वो है। हमारी कोशिश ये है कि एक जगह पर उनको लाया जाए स्टेटों में, और स्टेटों में चुनाव की जो परिस्थिति आएगी वहाँ पर बीजेपी को हराए, और उसी के आधार पर नेशनल लेवल पर बनेगी। पहले भी अपनी तजुर्बा देखिए, 96 में यूनाइटेड फ्रंट बना चुनाव के बाद, वाजपेयी साहब की NDA बनी चुनाव के बाद 98 में, 2004 में मनमोहन सिंह साहब की UPA बनी चुनाव के बाद, 2024 में भी बनेगी चुनाव के बाद।
बहुत शुक्रिया। ये थे सीताराम येचुरी, जिनका ये कहना है कि मुल्क में जो है फेफावराना सफबंदी को तेज़ किया जा रहा है और इस मुल्क को अमलन हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील कर दिया गया है। और वो उनका ये भी कहना था कि वो नेशनल सतह पर नहीं बल्कि स्टेट लेवल पर जो अपोजिशन लाइक माइंडेड पार्टीज हैं उनको एकजा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि हिंदू को जो इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है उसका सख्त मुखालफत की जाएगी और ये जो कोशिश है वो नाकाम होगी। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।